लॉ कानून कचहरी कोर्ट इतना कॉम्प्लेक्स जटिल मसले होते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता और फिर तो शायद इसीलिए दो सेशन बहुत गंभीर बहुत गरिष्ठ हो गए तो हल्का फुल्का करने के लिए ये फिल्मों का सेशन है एक एक भोजपुरी का शब्द है रखिया उठान तो इस शब्द का मतलब अर्थ ये होता है बेसिकली कि जब आप कि मूछे आने लगती हैं हल्की हल्की और वही समय होता है जहाँ से ये माना जाता है कि आपको आप अपना होश संभालने लगे हैं वहाँ की चीज़ें आपको याद रहने लगती हैं अपने बचपन से निकल के तो जब ये विषय मेरे सामने आया कि सिनेमा में कोट कचहरी और इसके ऊपर बात करना है हमें तो रखिया उठान जिस वाला वा जो हादसा है हम लोगों से एटीज़ के अंत में जिससे हम लोग गुजरे थे गुजरे थे तो मैंने थोड़ा सा अपनी स्मृतियों पर थोड़ा सा अपने उस पर जोर मारा कि वो जो दौर था वो बड़ा विचित्र टाइप दौर था सिनेमा के लिहाज से मैं कह रहा हूँ वही फिल्में हम लोग देखते थे वो वी और वी पे फिल्में देखने का दौर था क्योंकि सिनेमा हॉल तो शहरों में होते थे छोटे कस्बों में तो होते भी नहीं थे तो तीन फिल्में देखी जाती थी एक रात में और नॉर्मली खाना वाना खा के लोग और नौ बजे से शुरू करते थे और सुबह छः साढ़े छः बजे तक तीन फिल्में निपट जाती थी तो आ, बहुत भयंकर क्रांतिकारी फिल्मों का दौर था मतलब रिबेल विदाउट कॉज टाइप फिल्में आ रही थी ऐसी आ, फिल्में की आ, मैं थोड़ा सा नाम अगर उनका पढ़ दूँ और ये सारी फिल्में एटीज़ में बनी हैं जिनको हम लोगों ने देखा तो मुझे लगता है कि ये जो कोर्ट कचहरी कानून और ये जो विषय है फिल्मों का इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव डिकेड अगर है दश अगर हम कहें तो वो एटीज़ का डिकेड है दशक होगा जिसमें ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं कानून कटे कचहरी और उसके के कायदा कानून कानून क्या करेगा कानून अपना अपना कुदरत का कानून फ़र्ज और कानून आज का अंधा कानून और मेरी जंग ये वो है जो मैं याद कर पाया ये फिल्में हमने देखी और इस सब की शुरुआत जहाँ से हुई वो बड़ी मज़दार फिल्म है मतलब वो अपने आप में एक कल्ट फिल्म है उसका नाम है अंधा कानून उन्नीस में आई थी हालांकि इसको हमने बाद में देखा और इसमें एक तरफ रजनीकांत और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन तो आप समझ ही सकते हैं कि क्रांतिकारी क्रांति होनी थी और ये डिकेट का जो अंत हो रहा था वो वहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ अट्ठासी नवासी में जहाँ पर क्रांति से शुरू करने के बाद नायक ने फैसला कर लिया कि अब इस देश में कोर्ट कचहरी की कोई ज़रूरत नहीं है उसने सीधा काम किया शहनशाह फिल्म आई और अमिताभ बच्चन ने डिसाइड किया कि अब कचहरी में सीधे पुरी को फांसी पर लटका देना है तो जज बैठा रहा और पुरी को फांसी पर लटका दिया गया और डायलॉग वही था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं ना <laughs> या, या, या। तो ये एक तरफ था जो हम सिनेमा में देख रहे थे और दूसरी तरफ था वो जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन कोर्ट के चेहरों से हमारा पाला पड़ता था जिसको हम अपनी समझ में बिठा रहे थे वहाँ पर वही टूटी हुई पलस्तर पान के पीक से चनी हुई दीवारें सीलन भरे कमरे उसके अंदर कोने में बैठा हुआ कहीं जज होता था एक और उस जज गवाही ऐसे हो जाती थी कि गवाह ने ना जज को देखा जज ने गवाह को भी नहीं देखा गवाहियाँ हो गई फैसले आ गए इस तरह से वो तो ये जो अंतर था कि फ़िल्मों में हम देखें बहुत खूबसूरत सा लकड़ी से और वो वुडन फर्नीचर के बीच में एक जगह ऊपर जज बैठा हुआ है साइड में दो कटघरे हैं और वहाँ पर उसने अपनी फिल्म फिल्मों ने एक वोकबुलरी भी अलग से ईजाद कर ली थी जिसमें उसकी आ, मुझे याद आता है ना वो एक, एक ताज़रात हिंद की दफ़ा तीन सौ दो के तहत आ, ये अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि अब मुलजम दीना चौहान विजय चौहान जो भी है वो आ, हत्या का आरोपी है और इसको ताम्र कैद बा मुशक्क़त की मतलब ऐसी लंगे मैंने कहा ये कहाँ बोलता है कौन सा जज इस लैंग्वेज में सजा सुनाता है तो ये जो रियल से पूरा कट ऑफ का वो हिंदी सिनेमा और ये तो मैं सबसे पहले शेफाली इतनी लंबी चौड़ी ये जो भूमिका बनाने का मेरा मकसद ये था कि ये जो कट ऑफ है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है और गिल्टी माइंड्स बहुत ज़बरदस्त एक कानूनी मसलों के इर्द गिर्द घूमने वाली एक वेब सीरीज़ है जो अमेज़न पे है उसकी डायरेक्टर रही हैं शेफाली और कौशिक भी एक हाल ही में आई है कॉट आउट करके एक सीरीज़ आई है लिमिटेड सीरीज़ है मेरे ख्याल से वो क्रिकेट मैच फिक्सिंग में है तो उसमें भी लीगल उसका हिस्सा बहुत लंबा चौड़ा है उससे जुड़े रहे हैं ये जो रियलिज्म की प्रॉब्लम है इसको हम कैसे समझें एक बाद में एक और बस मैं चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ वो ये कि बहुत देर में एक फिल्म देखी हम लोगों ने नो वन किल्ड जैसे का जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके पहली बार बहुत वो कोर्ट चेहरे हमें दिखी जो हमने एक्चुअली देखी थी वो कानून जो हमने देखा था कि साइड में यहाँ पे एक आदमी खड़ा हो गया और वो कोई शपथ वफद वो कोई कसम नहीं खाता कि मैं गीता पर हाथ रख कर कसम खाता हूँ बस वो आया और उसने अपनी बात शुरू की और उसके सामने स्थितियाँ रख दी गई और जज ने उसी तरह से अपने बोली तो जो रियलिटी थी उसको दिखाने की कोशिश पहली बार उसे, मैं मतलब हो सकता है गलत भी हूँ कुछ और भी जगहों पर दिखाओ इस पर शेफाली सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया और कौशिक देखिए पहली बात यह है कि हम एज व्यूअर्स भी एक मसाले के बहुत आदि हैं हमारे खाने में भी और हमारे देखने के पैटर्न्स में भी तो इसलिए आई थिंक ये सिनेमा की मजबूरी रही है कि उनको मसाला दिखाना ही है ड्रामा हाई लेवल का दिखाना ही है तो हम जैसे फिल्म मेकर्स बहुत आ, आ, मतलब लकी हैं कि हम ऐसे एक दौर में सिनेमा या ओ के कार्यक्रम बना रहे हैं वेब वेब शोज बना रहे हैं जहां ऑडियंसिस को भी थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ें देखने की आदत पड़ गई है और वो उसे अप्रिशिएट करने लगे हैं और आ, लेकिन अब भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक कोई कंटेंट होता है तो उसके व्यूअर्स या उसको सराहने वाले कुछ गिने चुने होते हैं कम होते हैं तो अभी भी प्लेटफॉर्म्स हमें फिर भी प्रेशराइज़ करते हैं कि इसमें और ड्रामा डालिए इसमें और मसाला डालिए जबकि कुछ लोग जो इसको एक्चुअली सराहते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके लिए इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश है बिल्कुल आ, अगर उनका गॉड फॉबिट अगर कभी पाला पड़ा हो कोर्ट कचहरी से तो उनको लगता है कि अरे ये तो ऐसे होता है वैसे नहीं होता जैसा कि जिन फिल्मों के आपने नाम लिए जो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो एकदम एक आउट ऑफ रियलिटी एक दुनिया क्रिएट कर रही हैं लार्जर देन लाइफ हैं उनके हीरोज़ लार्जर देन लाइफ हैं उनका कंटेंट उनके डायलॉग्स वैसे कोई नहीं बोलता जैसे कि उन फिल्मों में डायलॉग्स होते हैं तो इसलिए वो अपनी जगह सही है लेकिन हाँ एक दौर बदला है लोगों को ऐसा कंटेंट देखने में मज़ा आने लगा है जिसमें कि उन्हें खुद का कुछ अंश नज़र आए कि शायद मैंने ये कभी फेस किया था ये मेरी भी परेशानी रही है और वो उससे खुद को जोड़ के अपने एक्सपीरियंसेस को उसका अलग किस्म से मज़ा ले सकें तो आई थिंक इस वजह से इस तरह के शोज़ हम बना पा रहे हैं सो आई आई थिंक वी नीड टू बी ग्रेटफुल टू व्यूअर्स फॉर हैविंग एक्सेप्टेडेंट कौशिक मैं बस इतना ही कहूँगा कि इसमें ना कुछ सही नहीं है कुछ गलत नहीं है सिनेमा uh, सिनेमा है एक माध्यम है लोग जो देखना चाहते हैं वो बनता है लोग जैसे जो बनाने वाले हैं वो सोचते हैं कैसे किसी चीज़ का चित्रण करना है और वो दिखाया जाता है uh, मैं बस इतना ही कहूँगा कि ड्रामा और लार्जर देन लाइफ हम सब देखना चाहते हैं हर चीज़ का एक ऑडियंस है और मैं सहमत हूँ शेवाली से शेफाली जो जब कहती हैं कि एक ज़माना ऐसा था जब ज़्यादा रियलिटी जब होता था तो लोग समझते थे कि वो आर्ट फिल्म है या वो डॉक्यूमेंट्री है तो उसका जो ऑडियंस है वो कम हो जाता था पर यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है जो हमें मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए उसके बारे में कि ड्रामा फिर भी हो सकता है पर विधि और विधि की जो प्रक्रिया है उसका जो चित्रांकन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए वो सही होना चाहिए तो आपने बहुत सारी पिक्चरों की बात करी बहुत लोगों ने बहुत सारी पिक्चरें और भी देखी हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो होती तो यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले होती थी और अब नहीं होती कभी भी नहीं होती थी तो वो आई थिंक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जो इंसान उसको देख रहा है वो देखते क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई हमेशा कोर्ट कचहरी जाता है तो लोग अगर सोचने लग जाएं कि एग्जैक्टली exactly वही होता है और वैसे ही होना है तो दिक्कत आ सकती है हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि आजकल जिसे हम डिस्क्लेमर कहते हैं हिंदी में अस्वीकरण कहते हैं उसके पीछे हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं लेकिन प्रक्रिया और विधि इन दोनों चीज़ों को हम मिसरिप्रजेंट ना करें ये हमारी जरूरत ज़रूर है और मेरा अपना मानना है आई एम नॉट अ फिल्म क्रिटिक और अ आर्टिस्टिक पर्सन इन दैट सेंस आई मीन माई माई आर्टिस्टिक स्किल सेट्स आर नॉन एग्जिस्टेंट बट आई वुड बिलीव दैट इवन विथ द ड्रामा यू कैन स्टिल स्टे ट्रू टू वॉट इज द प्रोसेस एंड वॉट इज द लॉ दैट वुड बी माई ओपिनियन कॉमेंट थैंक यू ठीक बात एक और इसी से जुड़ा छोटी सी और चीज़ मैं लगे हाथ समझ लेना चाह रहा हूँ एक तो ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि सिनेमा uh, की बात जब आती है या पॉपुलर कल्चर में तो प्राइमरी मोटिव या उसका ये कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट उसका सबसे जिसका जैसे आपने जिक्र किया कि मसालेदार मसाला भी चाहिए लोगों को और बहुत बड़ा एक कॉमर्शल मीडियम है तो लोगों को अट्रैक्ट करने के बहुत सारे उसमें फार्मूले भी होने चाहिए उसके बावजूद uh, एक हिस्सा होता है जो एजुकेटिव पार्ट होता है एजुकेशन का पार्ट होता है जैसे uh, एक फिल्म थी uh, मेरे खास से एक रुका हुआ फैसला एक रुका हुआ फैसला वो भी उसी अट्ठासी के आसपास पास मतलब एटीस के दौर की फिल्म है वो भी और तो मैं इसलिए एजुकेटिव पार्ट की बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उससे लोग धारणा बना लेते हैं लोग परसेप्शन बनाते हैं कि भाई ये चीज़ दिखाया गया कभी अब जो एक रुका हुआ फैसला देखने के बाद कोई आदमी अगर उससे अपनी सोच बनाएगा लीगल प्रोसेस के बारे में या कानूनी तो एक बड़ी उसके लिए निराशा की स्थिति या उसके लिए एक असहज स्थिति आज आ जाएगी क्योंकि आ, उस फिल्म में जिस जूरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया वो जूरी सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता वो लंबा समय हो गया उसको अबोलिश हुए उसमें वो जूरी सिस्टम के जरिए एक फैसला देने की बात है बाकी क्राफ्ट के एक्टिंग की उस लिहाज से तो वो फिल्म बहुत टॉप नोच है बहुत तो उस तरह से देखी जाती है लेकिन वो एजुकेटिव पार्ट जो है वहाँ पर जो मीडियम है वो कित किस तरह से रोल प्ले करता है या फिल्म मेकर की दिमाग में किस तरह से आ, असर करता है कितना उसको ड्राइव करता है उस दिशा में ले जाने के लिए? देखिए, मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि मैं हमेशा ऐसा कंटेंट लिखना या डायरेक्ट करना या बनाना चाहती हूँ जो एंटरटेनिंग तो हो क्योंकि वो तो एक प्री है लेकिन वो सिर्फ एंटरटेनिंग ही ना हो उसके अलावा भी कहीं Uh, कुछ तो सोचने पे मजबूर करे व्यूअर uh, को और मुझे लगता है दोनों चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल नहीं है आप ये बिल्कुल प्रूव हो रहा है कि ऐसा बहुत सारा कंटेंट है और मैं डेफ़िनेटली कहूँगी कि गिल्टी माइंड इस कैटेगरी में आता है जो लोगों को एंटरटेन करता है लेकिन सोचने पर मजबूर भी करता है तो हमारे पास मतलब बहुत से ऐसे कमेंट्स आए जो आपकी इस एजुकेटिव कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे क्योंकि हम हमारे हमारा स्ट्रक्चर यह है कि हम हर एपिसोड में एक अलग केस उठाते हैं तो और उस केस का जो हमने कोशिश की कि ऐसे केसेस उठाएं जो ब्लैक एंड वाइट ना हो जिनके दो पहलू हों और सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ हों सो नॉट जस्ट कि प्रोसीजर्स पे हम आ, आ, सही तरीके से प्रोसीजर्स दर्शाएं और कोर्ट रूम्स जिस तरह से होते हैं विजुअली उन्हें दर्शाएं लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स भी हैं वो लीगली भी साउंड हो कि एक्चुअली लीगली ये आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और वो दोनों तरफ दोनों तरफ के पलड़े भारी हों भले इक्वली नहीं क्योंकि एज मेकर्स आप ये डेफिनेटली क्लियर करते हो कि आप किस तरफ हो एज अ मेकर इवन दो आप दोनों तरफ की साइड्स आर्ग्यूमेंट्स uh, को काफ़ी स्ट्रांगली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो लेकिन आप एक साइड तो लेते ही हो कि आप किस तरफ हो तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा फीडबैक आया हमारे पास कि आपने जो मुद्दों की दोनों साइड्स दिखाई उसने हमें भी कई बार कन्फ्यूज़ किया कि हम कौन सी साइड को आ, सही माने कई बार हमने जजमेंट को भी क्वेश्चन किया कि ये जजमेंट होना चाहिए था या नहीं और मुझे लगता है कि ये सोचने की प्रक्रिया एक व्यूअर के दिमाग में अगर एंटरटेन होते होते भी हो रही है तो ये एक बहुत बड़ी जीत है बनाने वालों के लिए ठीक बा गिल्टी माइंड के हिसाब ऊपर थोड़ी सी बात करें अगर तो एक तो ये है कि काफ़ी उसकी तारीफ हुई और उसमें जो इश्यूज हैं हमारे आसपास के बहुत सारे इश्यूज हैं आ, उसका जो लीड कैरेक्टर हैं जो श्रेया अमेर से कशफ नाम है इनका एक उस कैरेक्टर के उसमें मुझे लगा कि एक किस्म का बहुत आदर्शवाद दिखता है है ना? और आदर्शवाद के उसमें आकर वो कई बार बहुत बहुत जो जिसको कहते हैं बहुत नाइव अप्रोच किसी चीज़ के लिए होता है जैसे दूसरा वाला जो एपिसोड है उसमें जो एक, एक बच्चा है किसी को आ, कर मर्डर कर देता है और फिर कोई भी जो मज़ा हुआ बहुत सुलझा हुआ या उस तरह का जो कोई एडवोकेट होगा वो खुद से जाकर इस तरह के केस नहीं पिक करेगा कम से कम उसको पता है क्योंकि उसको पता है कि कोर्ट के जो प्रोसेस हैं वहाँ पर फैक्ट्स सबूत और जो वो है उन पर हार्ड फैक्ट्स पे बात होती है और उसमें कम से कम उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है इसके बावजूद और वो कई जगह और भी दिखता है तो ये जो नाइविटी है उस पार्ट्स पे या आ, वो किस तरह की आ, उस किसी तरह की बहुत सोच विचार के साथ आया कि नहीं एक एक जो ह्यूमन साइड का बहुत एक आ, जो पॉजिटिव साइड होती है पार्ट होता है उसको ज़रूर दिखाया जाए क्योंकि बार बार वकीलों के मामले में ये भी है कि लोग बहुत नेगेटिव नज़रिए से भी देखने की कोशिश करते हैं कि भाई आ, उनके चक्कर में फंस गया आदमी तो घूमता रहता है तो ये क्या सोचा समझा था कि जो लीड कैरेक्टर उसके ह्यूमन uh, साइट्स uh, को ज़्यादा दिखाया जाए भले वो थोड़ा सा एक एक समय पर जाकर जो कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं लगता फिर भी वो करता है uh, देखिए uh, मुझे लगता है कि जिसको आप uh, नाइवेट बोल रहे हैं और वो आइडियलिज्म तो है लेकिन मैं उसे नाइवेट नहीं बोलूँगी और मैं कहूँगी कि वो एक उसके अपने दिल और दिमाग के प्रति एक ऑनेस्टी uh, है उसे वाकई लगता है कि ये बच्चा आप जिस एपिसोड की बात कर रहे हैं मैं हल्का सा बताती हूँ ऑडियंस को स्पॉयलर्स दिए बिना कि उस बच्चे ने एक वीडियो गेम के खेलते खेलते एक इंसान को मारा है और ऑल दो ये सीमिंगली ये मर्डर है और प्री मर्डर है लेकिन उसके कई पहलू हैं कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था क्या वो भागा वो मर्डर करने के बाद तो इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो एक्चुअली uh, सोचने पे मजबूर करते हैं और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं उस एपिसोड के बारे में कि मेरे पिताजी मिस्टर शांति भूषण जो एक बहुत ही नामी वकील थे जो अभी अभी लास्ट टाइम टू मंथ्स को बट उनका इस एपिसोड के बारे में मेरे को ये uh, वो था कि तुमने इसमें जजमेंट गलत दिया उस वो बच्चा कन्विक्ट हुआ मर्डर के लिए उनका ये स्ट्रॉन्ग मानना था ये जजमेंट गलत था उनको लगता था कि म, वो कन्विक्ट नहीं होना चाहिए था उस ही वॉज नॉट इन अ बिकॉज अर्ग्यूमेंट दैट इज़ यूज इज़ द साउंडनेस ऑफ माइंड एंड ही सेट दैट नो ही शुड नॉट है सो ये जिसको आप नाइवेट कह रहे हैं ना मुझे लगता है कि ये एक बिलीफ है इन इन ह्यूमैनिटी एंड उस कैरेक्टर के पास ये ह्यूमैनिटी के लिए ये बिलीफ है और मुझे लगता है कि अगर हम सब प्रैक्टिकल हो जाएंगे और uh, हमारे कैरेक्टर्स भी सब प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो हमारा इंसानियत पे से विश्वास उठना शुरू हो जाए तारीख पे तारीख मिलती रहे तो कौशिक इस पर आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा था क्योंकि आप सीधे सीधे फ्रटर्निटी का हिस्सा हैं और चीज़ों को अंदर से रह कर देख रहे हैं तो जब चीज़ें आती हैं तब आप किस तरह से डिसाइड करते हैं आप लोग की सिनेमा में तो हमने देख लिया कि उसका एक पॉजिटिव पहलू है उसका एक आइडियोलॉजिकल और स्टैंड भी है पर जब आता है सामने तब कैसे तय करते हैं आई थिंक प्रोफेशनल आंसर इसका ये होता है कि हम डिसाइड नहीं करते हम डिसाइड इसलिए नहीं करते क्योंकि हम वकील हैं डिसाइड करने का काम जज का है हम डिसीशन केस पिक, पिक करने का जहाँ तक बात आता है केस जब हमारे पास आता है तो हर हर लॉयर जो है वो अपना एक आकलन करता है एक बेसिक आकलन करता है कि ये जो केस है इसमें मैं उस केस की तरफ उसकी पैरवी तुमसे कर पाऊंगा कि नहीं डू आई नो इनाफ अबाउट दिस केस अबाउट सच केसेज एंड अबाउट द लॉ टू बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस केस नंबर वन एज फार इज एज फार एज डिसाइडिंग वेदर टू टेक ऑन अ मैटर डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्जेक्ट मैटर इज समथिंग दैट वी लाइक और नॉट और वी आर वी फील अबाउट येस हर हर वकील को ऐसा थोड़ा बहुत कुछ 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 हर वकील के अपने अपने कुछ सोच के पहलू होते हैं हम कुछ चीज़ों पे ज़्यादा कुछ चीज़ों को ज़्यादा मायने देते हैं और हमें लगता है जैसे अगर देर देर विल बी लॉयर्स हु बिलीव इन द कॉज पार्ट ऑफ इट सो इफ दे बिलीव इन द कॉज पार्ट ऑफ इट दे वुड लाइक टू टेक दोज काइंड ऑफ मैटर्स एंड रन विद दैम समबलीवुड से दैट या दिस दिस मैटर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू काइंड ऑफ मूव फॉरवर्ड तो ये मैटर मैं नहीं लेता लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में वो कहानी ज़्यादा चलती है मैटर हमारे पास जब आता है हम उसको प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और कहते हैं कि जी अच्छा ठीक है इसके कौन से पहलू इसके फॉर हैं और कौन से अगेंस्ट हैं उन फॉर और अगेंस्ट को हम कैसे कर पाएंगे यहाँ पर जो शेफाली ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली और शांति भूषण जी के साथ मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट आई टू रन अ स्मॉल मैगजीन एंड ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल आई इंटरव्यूड इन देयर हाउस इन नोएडा सो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और उन्होंने तब भी कहा था मेरे को और मेरे को अभी भी याद है कि आप लोग जब कोई मैगज़ीन निकाल रहे हैं जहाँ पे आप टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई ये कानून सही है ये जजमेंट सही है या कुछ और है आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप एक माध्यम हैं और उस माध्यम के तेर से तौर से आप बता रहे हैं लोगों को और जो लोग उसको पढ़ेंगे जिन्होंने एक्चुअली बाकी चीज़ें नहीं देखी हैं या उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो समझ लें उस चीज़ को वो इस माध्यम में जो लिखा है उसको सच मान लेंगे तो उस बात में मतलब आई एम ओबली री इट फ्रॉम वॉट ही एक्चुअली सेट बट आई थिंक वॉट इज इम्पॉर्टेंट हियर इज़ दैट जैसे उन्होंने कहा इनका सेकेंड एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा नहीं कि जजमेंट सही था वो वहाँ तक ड्रामेटाइजेशन इज़ वेरी गुड बिकॉज यू आर शोइंग एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिक द थिंग आई एम नो वेयर देयर बट जस्ट जनरल स्टेटमेंट बट फॉर दैट करेक्ट क्रिटिक टू हैपन और दैट काइंड ऑफ अ वेरी Evolved kind of a statement to come out. What is important is that the process is not compromised with, which is what she said about how it was shown. How was the court shown? How was the procedure shown? Because getting out the feelings and dramatizing the, the, the thought process of the individual lawyer is something which is a dramatic liberty that every creator must have, of course. Otherwise, there'll be no. There'll be nothing. But when we do that, we have to just stick to what actually happens. Also, so that what Shanti Ji said after watching it is a similar, a similar correct uh, judgment can come up even from the person who's watching it. Because ultimately, uh, law is all about perception, right? To the largest, to a large number of us, and we can only make. I'm not saying correct or wrong perceptions.

शिफाली आप बाई ट्रेनिंग बाई इस तरह का कुछ लॉ से इस विषय से किसी तरह का आपका पुराना साबका रहा है पाला रहा है कि इसको समझने के लिए क्योंकि इस मैं फिर वही बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत आ, आसान नहीं होता है कानूनी मसलों को आ, कर पाना और उस इस कानूनी मसलों को टेलीविज़न या फिल्म या उस मीडियम में रिप्रेजेंट कर पाना और थोड़ा समझ तो किसी तरह का कोई पहले की ट्रेनिंग थी कि इन चीज़ों को समझना है सम और कुछ इस तरह की हेल्प आपको मिली अपने परिवार से क्योंकि एक पूरी बैटरी वकीलों के परिवार में थी तो उसने आपको इसमें पूरे प्रोसेस में हेल्प की चाहे वो कहानियाँ चुनने का मसला हो चाहे उसमें उसकी लिगैलिटी का मसला हो चाहे वो उन कहानियों को आ, किस तरह से उसके जजमेंट या जिस तरह से आए उसमें किसी तरह की आपको मदद मिली हो कि इस तरह से इसको रिप्रजेंट करना ठीक रहेगा कई सारे क्योंकि तो इसमें कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने एज अ पत्रकार भी कवर की हमारे सामने घटी हैं मतलब जैसे कोक कोला वाली स्टोरी है और वो एक एक बड़ा मुद्दा एक टाइम पे रही तो और वो आपके परिवार से ही किसी ने कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट किया था तो उसका कोई मदद और उसका कोई रोल रहा इस पूरे प्रोसेस में देखिए ये मतलब ऐसी चीज है कि जो थोड़ा सा लोगों को रिवीलिंग होगा कि भाई जी बिल्कुल मतलब मैं कहूँगी कि जैसे वो चक्रव्यूह का को तोड़ने का जो माँ के पेट में मिलता है ना मेरा वैसा सा रहा है वकालत के साथ नाता क्योंकि मेरे दादा वकील मेरे नाना वकील मेरे मामा वकील मेरे पिताजी वकील भाई दोनों वकील दोनों भाभियाँ वकील पांच तो माइंड से ज़्यादा बेहतर कोई विषय <laughs> नहीं हो सकता था <laughs> तो ये मैं शुरू से कहती थी कि मैंने अब तक सोचा क्यों नहीं कि मुझे लीगल शो बनाना चाहिए मुझसे ज़्यादा लोकल स्टैंड आए किसी का नहीं <laughs> हो सकता <laughs> लीगल शो बनाने के लिए तो डेफिनेटली बहुत हेल्प मिली और क्या है कि आप बहुत कुछ ऐसा ऑब्जर्व करते हैं मैंने वकालत पढ़ी नहीं uh, मैं आई थिंक एक एक्सेप्शन हूँ अपने परिवार में लेकिन आप उन डिस्कशंस uh, का हिस्सा रहते हैं और वकीलों का क्या है ना कि वो आर्ग्यू करना चाहते हैं तो वो अगर एक जना एक तरफ से बहस कर रहा है तो दूसरे जने को लाजमी है कि वो दूसरी तरफ से बहस करेगा। इट इज़ देयर फेवरेट पास जी बिल्कुल <laughs> तो बहस करना भी उसी तरह से सीख गए तो बिल्कुल मैंने बहुत कुछ इंबाइब किया है फैमिली से और आ, दो वकील हैं हमारे राइटर्स रूम में सीज़न वन में दो वकील हैं सीज़न थ्री में तीन हैं और जो एक आ, आ, मतलब कि बहुत हमने ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल था कि वी नीड टू बी एक्यूरेट जो प्रोसेस जिसकी कौशिक बार बार, बार बात कर रहा है वी नीड टू बी एक्यूरेट एज़ मच एज टली मतलब नहीं नहीं <laughs> हमारे लीगल सिस्टम में ऐसा नहीं होता काश के हो लेकिन हाँ हमने बहुत इस पर कोशिश की फिर पार्ट के से देखे, तो गिल्टी देख के लोगों को लगे की भारत की जो अदालतें यहाँ पर पचास मिलियन के आसपास के <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल. तो वो एक हमारा एक इनफैक्ट इट्स फीडबैक नोट कि कहीं तो ऐसा चाहिए चलिए आपका फॉर्मेट है लेकिन कहीं तो ऐसा लगना चाहिए कि भाई केसेस ऐसे ड्रैग ऑन करते रहते हैं तो वो डेफिनेटली uh, एक है और जहाँ तक केसेस के चयन का सवाल है सिलेक्शन का तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस था जैसा मैंने पहले कहा कि हम ऐसे मुद्दे चुनना चाहते हैं जो जिसमें कि आप कोई तो बात ऐसी कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि दर्शक इसके बारे में सोचें hmm. इसके बारे में थोड़ा और समझें और एक और चीज़ जो हमने कोशिश की और हमने अचीव भी की कि हमने बहुत uh, सरल तरीके से उन मुद्दों को दिखाया उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अब कुछ लॉयर्स का ही क्रिटिसिज्म हो सकता है कि अब यू आर मेकिंग इट टू सिंपलिस्टिक इट्स लाइक अ डिबेट बट यस यू आर मेकिंग इट एक्सेसिबल टू एवरी लेव यू वन एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्राम दीगैलिटी ऑफ इट इसका अगला जो हिस्सा है जो आजकल बहुत चर्चा में है मतलब वेब सीरीज ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स ने बहुत सारे नए एवेन्यू uh, खोल दिए हैं इंटरटेनमेंट के और कई सारी चीज़ें लोग कहते हैं सेंसर बोर्ड नहीं है यहाँ पर तो उसके उसका भी एक एक तरह से उसको फ़ायदा मिलता है लेकिन uh, कौशिक मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप जिस रोल uh, में uh, जुड़े रहे काट uh, आउट से या इसके अलावा और कुछ वेब सीरीज से तो uh, एक कानूनी सलाहकार के रूप में मैं सही कह रहा हूँ वो ये जो रोल है थोड़ा सा इस रोल के बारे में बताएं क्योंकि ये जो सारा ये कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ता है कि कानूनी सलाहकार के तौर पर आप एक फ़िल्मकार को एक आर्टिस्ट को क्या सलाह देते हैं और क्या वो उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डाइवर्सिफाई करता है या साइज करता है हमारा जो इन्वॉलमेंट होता है वो जैसे शिफवाली ने कहा वी स्टार्ट फ्राम द राइटर्स रूम इट्स इट्स असूम फिक्शन एंड इफ इट इज़ नॉन फिक्शन लाइक अ डॉक्यूमेंट्री फिर हम लोग राइटर्स रूम शायद उसको नहीं कहते हैं पर उसको आइडिएशन का स्टेज कहते हैं आई एम नॉट सो फेमिलर विद वॉट इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड बट वी आर एंगेज एट दैट स्टेज पर जहाँ तक आपका जो मेन सवाल है आपका सवाल ये है कि क्या वो हेल्प करता है दायरे को बढ़ाने में या दायरे को ऐसा बना देता है कि आप घट जाए आपकी क्रिएटिविटी हमें लगता है कि हम दायरे को बढ़ाते हैं हम आई टी हम हमें लगता है कि हम दायरे को बढ़ाते <laughs> हैं हम बढ़ाते हैं टू द एक्सटेंट दैट उस हम अगर उस दायरे को आ, बढ़ा हम इस तरह बढ़ाते हैं क्योंकि अगर वो दायरा ना हो तो जो कानूनी जो भी है आज की डेट में जो कानून हैं कॉन्स्टिट्यूशन है उस सारी चीज़ों के दायरे में रह के ही हमें काम करना पड़ता है तो अगर हमारा हम अगर वो लाइनें ना खींचेंगे हाँ आई एम बैंकिंग अ वेरी अनपॉपुलर स्टेटमेंट राइट नाउ आई अंडरस्टैंड दैट बट उस दायरे के अंदर रह के अगर हम अपनी क्रिएटिविटी को नहीं दिखा पाएंगे तो शायद शायद ना उसके ना नहीं गलत बात है ये दायरे में रखने की बात है तो फिर तो आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को उसको नहीं आई लेट मी टेल यू लेट मी टेल यू फ्रीडम्स द एसेंशियल फ्रीडम्स आर ऑलवेज विथ सर्टेन सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस राइट आई एम नॉट सेइंग दैट रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट वन पर्सन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैनॉट बी ऑटोमेटिकली अंडरमाइनिंग समबडी एल्स राइट दैट इज द लिमिटेड ऑब्जेक्टिव वैन वी कमिंग वी डू नॉट से दैट आप ये मत दिखाइए वो मत दिखाइए हम बस इतना यहाँ तक कहते हैं कि आप जो दिखा रहे हैं वो जो आजकल का कानून है या अभी का कानून है जो देश का कानून है उस कानून के दायरे में रहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत दिखाइए अब दिखाइए ज़रूर बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट कैन इट रन द रिस्क ऑफ बींगल्ड इलीगल फॉर टू रीजन्स वन इज़ ऑफ कोर्स जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको बिल्कुल सर्वोपरि रखा जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है उसके उसके ऊपर कुछ नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने ही राइट right को इतना आगे ले जाएँ कि किसी और का राइट right जो है उसमें अंडरमाइन हो जाए आई थिंक दैट इज़ द लार्जर पिक्चर इन दैट सेंस सो टू दैट एक्सटेंट वी हेल्प वी ओनली हेल्प एंड असिस्ट आ, एक तो ऑब्जेक्शन है शेफाली का वो शेफाली की तरफ से आएगा और उसके बाद हम उस बात को आगे बढ़ेंगे दूसरा ये कि मैं एक एक फिर आइडियलिस्टिक एक सिचुएशन में मैं कहूँ अगर तो अगर आप की ये मजबूरी आज की तारीख में है क्या ये हमेशा से रही है या अभी आई है कि आप अपने साथ प्रोसेस में ही जब आप लिख रही हैं जब आप अपने कैरेक्टर को डेवलप कर रही हैं जब आप प्रोडक्शन के प्रोसेस में हैं तब आप अपने साथ दो वकीलों को बिठाकर उसको लीगली लिबेट कर रही ये नई सिचुएशन है हाल फिलहाल का फिनोमिना है या ये हमेशा से यही चलता आया है और दूसरा ये फिर उसके आगे का जो कि भाई अगर ये वहाँ पर बैठ रहे हैं और उनको बिठाने की नौबत है तो ये एक तरह का हेल्दी एटमोसफियर की तरफ हमें कहाँ ले जाता है देखिए था तो हमेशा से हमेशा से मतलब सेंसरशिप और फॉर्म में, हाँ, तो, में रहा है ओटीटी uh, में सेंसरशिप सेल्फ अपने ओर लिया गया है कि जी, लोग जी, अपने जी, ही बुला के और uh, लोग लीगली वेट कर रहे हैं लगातार हर एक एक स्टेप पे तो आ, uh, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटीज uh, बहुत ज़्यादा हाइटन uh, हो गई हैं और इसलिए कौशिक और uh, इस तरह से हमें लीगल एडवाइजर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है और मेरा ऑब्जेक्शन इसलिए क्योंकि ये दायरा बढ़ाते नहीं घटाते ही हैं <laughs> वो उसको वो शुगर कोट करने की कोशिश कर रहे हैं <laughs> दायरा घटाते हैं लेकिन हाँ बढ़ाते इस तरह से कि अगर हम दायरा उस वक्त घटाएंगे नहीं तो शायद शो लोगों तक पहुँच ही ना पाए <laughs> तो दायरा हमने बढ़ाया आई अरेस्ट माई केस लेकिन हाँ मुझे मुझे ये उम्मीद है कि हम एज अ सोसाइटी एज अ पीपल इतना ज्यादा इतना मेकर्स पे इतना प्रेशर शायद आप ऑडियंसेस ना डालेंगी नहीं डालेंगी तभी ये हमारी जरूरत कि हम खुद ही सोचें कि भाई इस बात का बुरा तो नहीं लग जाएगा मतलब ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे शादी में निमंत्रण बढ़ते हैं ना तो कि जर ताऊ जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे अगर उनके बेटे को नहीं बुलाया वैसी वाली बात हो जाती कि कौन बुरा मान जाएगा कौन उठ के हम पे कोई लीगल केस कर देगा और हमारा शो बंद करवा देगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कौशिक और इस तरह से लीगल कंसल्टेंट्स को बहुत अर्ली स्टेज पर लाना ये मेरे को लगता है कि एक दुखद स्थिति है जो कि सिर्फ आप ही लोग बदल सकते हैं कौशिक इस दुखद स्थिति टिप्पणी और फिर हम लोग जनता के पास। एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आई मीन एज आई सेड कुछ गलत नहीं है कुछ सही नहीं है देर इज ऑलवेज टू साइड्स टू एवरी क्वेंट बट देर इज अ डिफरेंस एंड देर बिटवीन वॉट इज रेगुलेशन एंड वॉट इज सेल्फ रेगुलेशन एंड As creators and as every individual around, uh, there is always incumbent, it has always been incumbent on us to be self regulated to the extent of our own ethical consent. A. B. Also, owning the obligation that because we are a mass media, there can be nothing that we say. Obviously, it can be perceived by anybody anywhere, but at least on a best effort basis, we make our our uh, efforts to kind of ensure that there is forget about actual regulation but there is nothing that is in my thing which can be taken as patently illegal right now here i will make a difference between what is news content and what is non news content right news content is a very different animal and that would require another full day session to kind of discuss बट वॉट मैन वी टॉक अबाउट नॉन न्यूज़ एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट उसमें क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास ये दायरा बड़ा हुआ होता है जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अनुइंगली un अनटेंशनली कभी कभार हम उस दायरे के बाहर चले जाते हैं लेकिन वो दायरा है हमेशा से रहा है और वो दायरा कभी कानूनान होता है कभी अपना होता है कभी अपने अंदर से आता है कभी जनरली और हर देश में हर जगह पर ऐसा है तो मेरा बस मेरी टिप्पणी बस इतनी होगी दैट हम माहौल जो है वो तो एक अलग एक और डिस्कशन एक और दिन के लिए है लेकिन सेल्फ रेगुलेशन जो है चाहे वो आ, चाहे वो कहीं और से आए या अपने अंदर से आए लेकिन वो होना ज़रूर चाहिए मैं बस इतना ही कहूँगा सेल्फ रेगुलेशन इन एवरी एवरी वे शे परफॉर्म नॉट ओनली इन the business of cinema but anywhere else right we should not be doing something which is patently wrong right and that comes from inside ये एक चीज़ बस इसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कौशिक की असल में ये जो पूरा विषय है आ, इसमें आपसे ज़्यादा जो भूमिका है वो दूसरे पक्ष की है जो कि इसका जो राजनीतिक पक्ष है और जिसकी वजह से ये स्थितियाँ बनी हैं कि लोग सेल्फ अपने को रेगुलेट करने लगे हैं या उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है तो वो ज़ाहिर सी बात है ऐसे मसले पर उनका पक्ष उनके साथ बात करना ज़्यादा और दूसरे इसके डायमेंशनस के बारे में हमें वो करे बता सकता है आप वो पक्ष रख रहे हैं जो कि आपको करने के लिए वहाँ पर किसी फिल्मकार ने बुलाया है कि भई आप एक एक, 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 एक लिमिटेड रोल है इस चीज़ को आपको करना है लेकिन ओवरऑल इस पूरी स्थिति पर के लिए जो जिम्मेदार है वो कोई और थर्ड पार्टी है और जिसकी वजह से उस क्रिएटिविटी को पे एक तरह का आप कहें बंधन है एक तरह का अपने दिमाग में पर्दा है तो उस चीज़ को के लिए मेरे ख्याल से आप भी बहुत उपयुक्त आदमी नहीं है कि उस पर पूरी बात कह पाएँ वो एक दूसरा जिसकी तरफ शेफाली ने थोड़ा सा इशारा किया कि हाँ वो हो रहा है और वो एक बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी स्थिति नहीं है कि जो आर्टिस्ट है वो इतनी तरह के बंधनों में अपने दिमाग में लेके और वो बैठ रहा है और उसके जरिए उसकी एक एक तरह की एक परमानेंट भूमिका सी बनती जा रही है कि पहले वो अलग अलग एक एक स्टेप पे जाकर कानूनी सलाह ले रहा है फिर जाकर अपनी बात को कर रहा है पर मैंने जैसा कहा कि वो उसमें आपकी भी क्या भूमिका है आपको तो आप वैसे ही हैं जैसे इन्होंने एक एक्टर को हायर किया है परफॉर्म करने के लिए उसी तरह से आपको भी हमें, हमें बस एंगेज किया जाता है हमें अभी तक हायर नहीं किया जाता है <laughs> अच्छा तो ये प्रोबो नो चल रहा है इंगेज किया जाता है I'll, I'll stop there, but I'll not say <laughs> तो कुछ लोगों के सवाल हैं इसमें और बस इतना रहे कि किससे आपका सवाल है अपना नाम बता के और सवाल ही पूछें यहाँ से ले लीजिए दो तीन चार लोग एक साथ ही हैं हेलो माय नेम इज़ विक्रांत आई एम फ्रॉम आंस्टनिया सो मेरा क्वेश्चन पैनल को ही है और आपको भी एज सच uh, जैसे कौशिक सर ने बताया कि न्यूज़ एक न्यूज़ मीडिया चैनल एक माध्यम होता है एंड दूसरी तरफ जो सिनेमा है वो भी एक सम काइंड ऑफ अ माध्यम है फॉर अ मैसेज एंड ऑल बट होता क्या है जो ऑडियंस जो इसको कंज्यूम कर रही है नंद वो उसको सच ही मान लेते हैं सो उसके ऊपर वॉट आर योर थाट्स ऑन दैट एंड हाउ इज़ देर एनी सम काइंड ऑफ अवेयरनेस नीड टू बी डन ऑन बिहाफ ऑफ न्यूज चैनल और द सिनेमा सिनेमा फ्रेटर्निटी के लोगों से भी बोला जाए सिर्फ ये एक आपके लिए एक न्यूज़ है और जस्ट अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली इसको सच ना माने नहीं देखिए ये तो एक जिम्मेदारी बनाने वालों की है कि आप कुछ ऐसा ना दिखाएं जो आप uh, कुछ ऐसा फैला रहे हैं जो सच नहीं है या एक्यूरेट नहीं है ऑफ uh, कोर्स आप फिक्शन कर रहे हैं और जैसे कि आपने कुछ uh, एक सेंसिटिविटी तो आपको रखनी ही पड़ेगी कि आप कोई गलत बात का प्रचार नहीं कर रहे हैं तो मतलब इवेंचुअली आप एक बैड अगर एक विलन दिखा रहे हैं तो वो विलन के रूप में ही दिखे वो हीरो ना बन जाए एक तरह से कहूँ तो. तो ये तो हमारी बनाने वालों की लिखने वालों की जिम्मेदारी है लिटरेचर हो या फिर यू नो वेन वी आर रीडिंग वैन वी आर वॉचिंग अ बिग बिग रोल सवाल ये कि आप अभी के आप जब एक्सप्रेस करते हो जब लिख रहे होते हो जब डिरेक्ट करते हो सो आर्टिस्ट द एक्टर्स डू यू गिव दम दैट लिबर्टी टू एड देयर वैल्यू पॉइंट बी इट यू नो वेदर इट्स बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द येस द नोज द रोंग्स एंड द राइट्स और देर इज अ चेक लिस्ट टू दैट नहीं देखिए एक्टर्स डेफिनेटली अपना कुछ एक व्यू पॉइंट ऐड करते हैं टू तो द परफॉर्मेंस लेकिन जो बात कही जा रही है वो लिखी जाती है वो वेट होती है प्लेटफॉर्म से या चैनल से और फिर आप उसको एज अ डायरेक्टर या एज अ क्रिएटर शेप करते हैं एंड जिम्मेदारी जो मैंने पहले कहा कि आपको रखनी ही पड़ेगी कि क्या बात जा रही है व्यूअर तक तो वो जिम्मेदारी हमारे एक्टर्स की नहीं है बनाने वालों की है मैम माई नेम इज अजय एंड आई टू आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक There has been movies on law like the Pink, which kind of intrigued the, the entire nation, and nation also got to know what is law. Uh, I mean, uh, in terms of women, uh, you know, safety, uh, Nirbhaya case. So I think uh, uh, 80s was a period where people were uh, less educated, but now I think uh, you have to take the responsibility. <laughs> yeah, so i think uh, media industry needs to uh, take charge uh, i mean i assume that everyone is literate and have a you know open uh, open uh, mind and acceptance towards whatever the content has been delivered they accept it and they embrace it what is the future of the content of, yeah future of content uh, in terms of in terms of you know freedom of expression and uh, creative freedom बड़ा सवाल होगा फ्यूचर नहीं देखिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो जो बात हमने अभी करी कि थोड़ा सा हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं इन ये आ, दौर इम्प्रूव करेगा आ, मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा ऐसा शुक्रिया मेरा नाम शिवांगी है बतौर आ, पेशे से पत्रकार हूँ थोड़ा पीछे जाना चाह रही हूँ जैसे आपने बातचीत की भूमिका में कहा कि एक पिक्चर जो है वो अदालतों का एक और बना देती थी और जो जैसे आपने कुछ डायलॉग भी कहे कि आमतौर पे हम नहीं दे, देखते हैं कैसा होता है तो थोड़ा सा मैं ये समझना चाहती हूँ यहाँ बहुत से लॉयर्स बैठे हैं और लेकिन ये सवाल लॉयर्स से नहीं है आ, पत्रकारों से है कि लॉयर्स अदालतों का और या कहें भोकाल बनाने में कितनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं क्योंकि एक अगर एक बात मैं कह पाऊँ थोड़ा सा लम्बा Uh, मैं अमर उजाला बरेली के लिए काम कर रही थी 2014-15 में विधि रिपोर्टर जो हमारे थे वो करीब सत्तर पचहत्तर साल के थे एक खबर के लिए मुझे एक जज से मिलना था तो ऐसा कभी नहीं होता जितने उन्होंने मुझे कोड ऑफ कंडक्ट समझा दिए एक जज से मिलने के और वो हर बार उनको जज साहब और तमाम बातचीत कर रहे थे कि मोबाइल साइलेंट करके जाना है चालान हो जाता है पीठ दिखा के लौट के नहीं आना है तो ये जो और है जो वो पत्रकार को भी समझा रहे हैं तो वो आम जो आम जो जन आ रहा है आम जो क्लाइंट आ रहा है उसके सामने वो भौकाल कितना बड़ा हो जाता होगा एक, एक बहुत एक सामान्य सी समझ हम लोगों के दिमाग में रहती है हमेशा कि आ, जब आम आदमी जाता है तो इस पूरी पूरी जो लीगल प्रोसेस की जो भाषा है वो बहुत जटिल इस तरह की होती है कि जो आमतौर पर आम आदमी को समझ में नहीं आती वो बनाई ही इसलिए जाती ताकि आम आदमी उलझा रहे और उन्हीं लोगों के पास जाए बेहतर है कि कौशिक इस चीज को जल्दी से साफ कर दें और फिर हम इस सत्र को खत्म करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत बार आती है हमेशा सामने आती है कि लोगों को समझ में नहीं आता लोगों को उलझाए रखा जाता है वो लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती है वो क्लॉज उसको समझ में नहीं आते हैं और भोकाल बना रहता है भोकाल शब्द मेरे को काफ़ी पसंद आया खैर आई थिंक ऐसा एक वेब सीरीज भी था कुछ दिन पहले आया हुआ था बट एनीवे इट्स अगेन ये भोकाल नहीं है प्रक्रिया है इसमें कोई भोकाल नहीं पीठ दिखा के नहीं आना वो एक बेसिक चीज़ है जो हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें कोई भोकाल रिली नहीं है हाँ किसी इंसान के लिए जिसने पहले कभी इसको नहीं देखा उसके लिए थोड़ी ओवरवेलमिंग ज़रूर हो सकती है लेकिन वो प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही है और वो सिविल लॉ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे वकील हैं तो चूंकि हमारा देश कॉमन लॉ कंट्री है तो कॉमन लॉ में बहुत सारी छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जो चलती हैं एक आखिरी चीज़ आपने शायद पूछी थी वो सत्र न्यायालय में हमारे देश में व्यवहार जो व्यवहारिक तौर तरीके हैं वो काफ़ी हद तक सिम्प्लीफाई हो चुके हैं अब अब वो भोकाल जो आप आप शायद सोच रहे हैं वैसा है नहीं सत्र न्यायालय काफ़ी हद तक सिम्प्लीफाई हो चुके हैं और जजेस आजकल बहुत बहुत नॉर्मली पेश आते हैं तो अगर अगर आपके कोई स्पेसिफिक उसमें इंस्टेंस है तो आई एल बी अराउंड आई एम हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन नमस्कार मेरा नाम पार्थ है uh, मेरा सवाल कौशिक जी से है uh, मुझे ये जानना है कि uh, जो सेंसर बोर्ड या फिर अन्य कई मीडिया रिलेटेड लॉज हैं जो वो लिखित में होते हैं एक तो उनका अच्छे से दस, दस्तावेज़ नहीं है या फिर वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन रहते हैं तो क्या वो रिटर्न फॉर्म में जो रहते हैं उससे आगे बढ़ के आप लोग एडवाइस करते हैं कि uh, इसके आगे भी जो दायरा है जो लिखा नहीं है उसको भी कंसिडर करके आप उनको लिमिट करते हैं या फिर है। सिर्फ लिखित को ही कंसिडर किया जाता है आई थिंक uh, बहुत अच्छा सवाल है ये Uh, uh, पहली बात तो हम एज आई सेड इन माई आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन हमारा कॉमन लॉ इज़ द रूट ऑफ द लीगल सिस्टम इन दिस कंट्री एंड कॉमन लॉ का मतलब ही है दैट इट इज़ जज मेड लॉ एंड इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन सो वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एज अ लॉयर दैट यू डू इज़ टू फिगर आउट हाउ द पर्टिकुलर थिंग दैट इज रिटन जो लिखा हुआ है विधि में उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा करेंट सर्कमस्टांस में एज सुन एज यू डू दैट यू ऑफकोर्स हैव टू फिगर आउट वॉट विल बी द इंटरप्रिटेशन दैट एन सेट लॉ एंड दैट एक्सटेंट लॉ इज रेगुलेटेड और एग्जीक्यूटेबल बाय अ पर्टिकुलर अथॉरिटी वॉट वुड दे टेक एज एन इंटरप्रिटेशन Whether from an audience standpoint, because you are asking for, you spoke of the censor uh, board. If you're talking about the audiences and the rating and the maturity rating or the age gating part of it, or otherwise, somebody spoke about uh, somebody spoke about Article 19 and how we have only four things written there, and those four things are open to interpretation. Of course, that is the only value add that, value add that we come, come and get in. However, I can just tell this much that that list and that interpretation is never exhaustive which is what which is why there can be there can be issues beyond that also but then as a lawyer that is our role and as a lawyer in this field that is primarily our role there's just general understanding that traditional cinema is more regulated or censored compared to ott uh, one is that is it really true now post andhra controversy

नहीं ये बात आपकी बिल्कुल सही है दैट इट इज़ नॉट अनरेगुलेटेड इन जो बात हम कर रहे हैं कि एक सेल्फ रेगुलेशन आ ही गया है देर आर लीगल कंसल्टेंट्स इवन विद इन प्रोडक्शन हाउसेज़ विद इन द प्लेटफॉर्म्स तो कई लेवल्स ऑफ वेटिंग होता है जिससे कि क्योंकि आप डरते हैं कि बाद में कोई केस ठोक देगा आपके ऊपर तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे तो इसलिए आप सही कह रहे हैं कि दो ऑफिशियल बॉडी अभी नहीं बनी है लेकिन एक तरह से वो एकदम फ्री है ओ का कंटेंट ऐसा

sensitive information i can answer for our show guilty minds uh, it is a completely fictional show it may have um, sort of been inspired by certain real life stories because when you are talking about the situation in the country and the world as of today you do take inspiration from what is going on around you that is the those are the things you want people to think about however there are no issues of non disclosure because you are fictionalizing the entire content it's not, uh, that is that is not, that is free to anybody's interpretation, if I'm not wrong. I think the issues of privacy as well as consent and non disclosure to that extent is more, uh, more suited to, an, uh, to a discussion on documentaries, right? If it is a documentary or an autobiographical piece which could be fictional also, it can be fictionalized in that sense, that is where that is. That, is, that becomes key and I'm with you that that uh, initial documentation on getting the rights in and getting the consents will be pretty much the key to moving forward with that. So uh, you people were talking about daira kam karna and badana. So there's this illegality thing that came. How do we like define it when it comes down to वी वी वो टॉकििंग हॉरजोंटली सिटीजन टू सिटीजन परस्पेक्टिव में लेकिन जब वो स्टेट के परस्पेक्टिव में होता है वो इतना सब्जेक्टिव है कि क्रिटिसिजम क्या है डिसअग्रीमेंट क्या है एंड एक्सट्रीम स्पीच क्या है स्टेट हैज़ फो गॉटन दैट डिस्टिक्शन टू मेक लाइक दे डोंट डू इट सो हाउ टू ड्रॉ दैट लाइन हाउ स्टेट शुड नाट लाइक हेट स्पीच किसी को भी किसी चीज़ को भी हेट स्पीच बोलते ना बिकॉज दैट्स वॉट्स बिन गोइंग अराउंड I think, it's, important. Uh, I think uh, it's a great question, but uh, again, I am not the. We are not the state. We do not represent the state. Uh, what is important, uh, of course. Sorry, I think we do represent the state in some way, shape, or form. In some perception. So let's put it that way. But I think uh, again, the test to that and what we uh, normally tell people is the test of reasonableness. How reasonably have you? have you interpreted something or what kind of kind of measures have you taken not to go beyond that particular line which we make now i am with you on understanding when on the understanding that there is a it is free and fair as far as uh, the law itself but interpretations of law can vary right and they will continue to vary

फ्री स्पीच का दायरा उन्होंने थोड़ा तोड़ने की जो पहले से बनी हुई दायरे थे उनको तोड़ने की कोशिश की और कई बार उनकी कोशिशों से वो दायरा बढ़ा भी है तो मैं ये सोचता हूं कि इसमें जब आज हम लॉयर्स का रोल इसमें बढ़ने लगा है तो क्या हम वो जो क्रिएटिव फ्रीडम के साथ जुड़ी हुई बात है कि उसके दायरे को वो बार बार बढ़ाता है ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है फ्री स्पीच ये हमेशा दायरा बढ़ना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी क्रिएटिव फ्रीडम या जो आ, जो काम लिखने पढ़ने वाले लोग कर रहे हैं या कवि हैं लेखक हैं फिल्मकार हैं वो कर रहे हैं उनके उन पर जो इस तरह का दबाव पड़ रहा है और वो किस तरह से इसको तोड़ पा रहे हैं आ, शेफाली जी आप अगर इस पर कुछ कहना चाहें सवाल तो वही है इसका एक एक उदाहरण से मैं इसको थोड़ा सा आगे रखना चाह रहा हूँ सादत हसन मंटो के ऊपर क्रिएटिव रा, उनकी राइटिंग को लेकर शायद सबसे ज्यादा केसेस और ये आ, डाले गए और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और दोनों साइड में केसेस चल रहे थे इधर भी चल रहा था उधर भी चल रहा था उस समय क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स बैठे हैं तो उन लोगों के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है कि एक वकील हैं दिल्ली में बहुत बड़े नाम हैं नामी वकील हैं कपिल सिब्बल इनके पिताजी मेरे ख्याल से सीताराम सिब्बल नाम था उनका जो उन्होंने पूरे इन सारे केसेस को सादत हसन हसन मंटो के केसेस को लड़ा और उनकी उस क्रिएटिव फ्रीडम को उस उनकी जो राइटिंग की वो फ्रीडम थी उसको डिफेंड किया दोनों जगहों पे जाकर कभी वो लाहौर में होते थे कभी इधर तो वो एक चीज़ है एक उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे लीगल फटर्निटी ने इस चीज़ को एक एक पूरा लंबा इसका हिस्ट्री रही है जहाँ पर उसने डिफेंड किया है और वहाँ से लेकर बहुत रिसेंट रिसेंट का अगर मैं देखूँ एक किताब है हिंदी की काशी काशसी उसने उस लिमिट को बहुत बहुत ब्रेक किया है जो ट्रेडिशनल एक एक, एक फर्मा होता है कि इसको साहित्यकारों को इस दायरे में रहना चाहिए उसमें गालियों का बहुत इस्तेमाल हुआ है और इन सारी चीज़ों का और उसके बाद उसके उस पर जो फिल्म बनी तो बहुत सारी कोर्ट कचहरी उसमें भी हुई तो उसको फिर से डिफेंड किया लोगों ने किया। तब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आज हम देख रहे हैं उसमें क्या वो अंदर वो जज्बा है कि वो तोड़ने की इसको उससे फाइट करने की बात है। जी बिल्कुल जैसे कि आप कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि ये आ, हमारी जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी को पूरी तरह से ले रही हूँ कि ये जो सेल्फ सेंसरशिप हम कर रहे हैं ये हम उस तरह से करें कि जो सही है लेकिन जो बात हम कहना चाहते हैं अगर हम सेल्फ सेंसरशिप ही कर देंगे तो फिर तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा तो इसलिए ये हमें थोड़ी सी बहादुरी दिखानी पड़ेगी फिल्म मेकर्स को या राइटर्स को कि हम अपनी बात कहें फिर भले ही हमारे वकील हमें एडवाइस करें वो भी करें तो भी हम आगे बढ़ाएं कि हम अपनी बात अगर हम खुद ही कहना बंद कर देंगे तो तो कोई फिर आ, कोई चारा ही नहीं बचेगा इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी है फिल्म मेकर्स की क्रिएटिव वॉइस की और ये हमें लेनी चाहिए कि हम इस दायरे को सीमित जितना हो सके ना होने दें मैं बस इसमें एक ही चीज़ ऐड करूँगा कि आ, there is a difference between censorship and regulation the two different aspects and to which i would like to actually say that jo aap keh rahe hain wo bahut important hai kyunki jo self regulation ki baat jab tak aati hai wo agar wo agar utna ho jaye to इसी चीज़ को court में defend करने में हमारे जो हम वो भी करते हैं और वो करना बहुत आसान और बेहतर हो जाता है क्योंकि फिर आप विधि प्रक्रिया आपको ये नहीं कह सकती कि आपने प्रक्रिया फॉलो नहीं की hmm. नहीं सो so, जो जब भी कोई इंजंक्शन लगाने की कोशिश करता है और मैंने अपने छोटे से करियर में कुछ इंजंक्शन ऐसे देखे हैं विच वर अगे विच वर ब्रॉट अबाउट ब्रॉट अगेंस्ट कॉन्टेंट बाई सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन दिस कंट्री Right. And uh, I'm very, very happy to kind of report here that we have succeeded in all of them. All those all those uh, uh, series, all those web series documentaries have released and they've been accepted by people. I think I think the idea is the idea of self-regulation is to that in that sense, increase the increase the boundary and not decrease it. I'm with you on that, actually. अल्टीमेटली इस बहस को उधर ही जाना मतलब ये बात तो थी कि सिनेमा में किस तरह से दिखाया गया लेकिन ये सेंसरशिप की तरफ ही चली गई और ये जाना ही उधर तो सर आप अपना सवाल पूछ लीजिए मैं आप मेरा नाम प्रमोद जोशी है मैं आपको आपकी जो भूमिका थी शुरू में उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ जैसे आपने कहा कि एट्टीज के दौर में कई फिल्में आई जिसमें कानून की प्राइमेसी को दिखाया गया और फिर उसके बाद नायक खुद कानून अपने हाथ में लेके हीरोगिरी कर रहा है वो आया तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज का दौर जो है जिसमें हमें काफ़ी अच्छी फिल्में और वेब सीरीज़ देखने को मिली हैं जिसमें द प्राइमेसी ऑफ जस्टिस लॉ इज़ सेट क्या ऐसा हो सकता है कि अगर अन्याय बढ़े और न्याय उस पर अपना नहीं दिखा पाए कंट्रोल तो क्या फिर से एक दौर आएगा जिसमें शायद नायक शायद हीरोज शा, शायद हीरोइंस सुपरमैन सुपर, सुपर वेमेन बन के लोगों को न्याय दिलाएं ऐसी ऐसा शंका क्या आपके मन में आती है एज अ राइटर या आपके मन में एज यू नो कमेंटेटर पॉलिटिकल और अदरवाइज ये जो आप कह रहे हैं इसमें मतलब से फाली ज्यादा इसको विस्तार से बता पाएंगी मैं बस इतना कह सकता तो एक आ, आर्टिस्ट एक क्रिएटिव फ्रीडम के दायरे में ये आता ही आता है कि वो इसको कहाँ तक ले जा सकता है वो अपने वकील को सुपरमैन बना देगा या अपने नायक को वहाँ पहुँचा देगा कि जहाँ पर वो आ, जज से लेकर अदालतों से लेकर उन सब के ऊपर मतलब ये तो उसकी अपनी क्रिएटिव सोच के ऊपर है शिफाली देखिए हमें बाउंड्रीज पुश करनी है ये हमारी जिम्मेदारी है अब हम वो सुपरमैन बना के करें कि हम किसी और तरीके से करें लेकिन करनी है क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम इन अ इन अ रैशनल रीजनेबल मैनर शुड ऑलवेज रिमेन ठीक बात है पूछ लीजिए आप भी Uh, जो बाउंड्रीज पुश करने की को रोकेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर इस जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सबको मौका है एक्सप्रेशन का <laughs> uh, आप जो बाउंड्रीज पुश करने की बात कर रही हैं एक एक मेरा क्वेश्चन है इन रीसेंट सेवरल रेगुलेटरी चेंजेस इन डिजिटल स्पेस गवर्निंग द मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन डू यू थिंक दैट द रीसेंट रेगुलेटरी चेंजेस या जो प्रपोज हैं दैट इज़ क्रिएटिंग इेबलिंग इन्वामेंट फॉर कंटेंट क्रिएशन आपको क्या वो लिबर्टी है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं अगर ऐसा नहीं है तो कैन यू सजेस्ट सम मॉडल इन फॉरन जरिस्टिक्सन जो आप जो है एक आइडियल मॉडल उसको uh, कहना चाहेंगे देखिए तो आइडियल मॉडल तो कुछ नहीं है क्योंकि ऐसा मैं ये मानती हूँ कि कई लोग उन मतलब जो एक सेल्फ़ रेगुलेशन होना चाहिए उसकी बाउंड्रीज खुद ही क्रॉस करते हैं तो इसलिए एक रेगुलेशन ज़रूरी है लेकिन हाँ वो किस तरह से हो उसका रूप क्या हो और किन किस तरफ को वो रेगुलेट करना चाहे ये बात तो अब आइडियल मॉडल हम आई थिंक सभी को पता है जो आ, एक रैशनली सोचते हैं लेकिन हाँ वो हो पाता है या नहीं सोसाइटी में वो हम सब जानते हैं कि मुश्किल होती है ये चीजें सबकी एक सलाह बननी मुश्किल होती है ठीक बात बहुत बहुत शुक्रिया शेफाली कौशिक आप सबका आप सब लोगों का भी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, का। थैंक यू वेरी मच